ये तो समझना होगा ना कि इसका मतलब है कि ये बहुत मजबूत सरकार नहीं है, दिखावा तो मजबूती का करती है लेकिन बहुत डरपोक सरकार है। प्रोग्राम मैं करने नहीं जा रहा हूँ, मैं इसमें शामिल होने आया हूँ। और अभी आपने देखा कि दो बेल मिले हैं अभी पिछले दिनों, उमर खालिद और खालिद सैफी को मिला है बेल। और ये जो प्रक्रिया है इसको ऐसे समझा जाना चाहिए, पहले जो दो बेल मिले हैं कि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है जिसपे उन्होंने पूरी एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका पे जो सवाल खड़े किए हैं, वो उसका एक साइड इफ़ेक्ट्स के रूप में इसको देखा जा सकता है। और ये बड़ा ही दुखद और हास्यास्पद भी है कि जो व्यक्ति 90% विकलांग है उससे आपको कौन सा ऐसा खतरा है ये समझ में नहीं आ रहा है। और आपने याद होगा कि उनको हाई कोर्ट से छोड़ने का बेल का भी ऑर्डर मिल गया था, लेकिन रातों रात जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फिर उस ऑर्डर को टर्न डाउन कर दिया गया। तो ऐसी क्या दिक्कत है और क्या सोचने पर कोई थोड़ी प्रतिबंध लगा सकता, मैं कुछ सोच रहा हूँ इसका क्या इम्पैक्ट हुआ कि नहीं हुआ, मेरे कुछ बोलने से भी कुछ हुआ कि नहीं हुआ, सिर्फ ये संभावनाओं से आप गिरफ्तार कर लेते हैं। और ये तो समझना होगा ना कि इसका मतलब है कि ये बहुत मजबूत सरकार नहीं है, दिखावा तो मजबूती का करती है लेकिन बहुत डरपोक सरकार है। जो 90% जो विकलांग व्यक्ति है और हाई कोर्ट ने जिसको बेल भी दिया था उसको पुनः जो है रद्द करती है ऑर्डर। और अब ये भी कह सकते हैं कि जो चीफ जस्टिस जो चेंज हुआ है, रिजीम में जो बदलाव हुआ है, मुझे लगता है उसका भी इम्पैक्ट एक थोड़ा थोड़ा देखने को मिला है। एक मैंने सुना है कि जैसे ही राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद एक जुडिशरी की ओर से एक एक्शन आया है तो भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखा जाए कितने कैदी क्या हैं, उस पर मैंने एक बातचीत भी की थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है लेकिन ये बात है। और मुझे लगता है कि ये बहुत सारे लोगों को देखे होंगे कि बहुत सारे रिपोर्ट्स आए हैं कि उनके कंप्यूटर से छेड़छाड़ है क्या है, तो मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल मूव है सरकार की ओर से। ये लोकशाही है, डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में संविधान विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सबको कम से कम अपनी बात रखने का अधिकार है। और मुझे लगता है कि साईं बाबा को जो है ना ज़बरदस्ती बिना वजह के सरकार जेल में रखे हैं, जैसे इन लोगों को मिला है बेल, उनको तुरंत बेल आउट मिलना चाहिए, बेल आउट करना चाहिए, उनको तुरंत रिहा करना चाहिए। जी, ये पत्रकार कप्पन सिद्दीकी हैं, लेखक हैं, प्रोफेसर हैं, आखिर खतरा क्या है सरकार को इनसे? नहीं नहीं, खतरा है कि इनको जो तानाशाही वाली जो सरकार होती है ना उसके, उनको हर समय, चाहे आप जर्मनी का इतिहास उठा के देख लें, चाहे तमाम ऐसे जगह जहाँ तानाशाही रही है, उनको सबसे ज़्यादा समस्या जो है ना बुद्धिजीवियों से होती है, सोचने समझने वाले लोगों से होती है। इसलिए ऐसे लोगों को या तो लोग पकड़ के जेल में बंद कर देते हैं या ख़त्म कर देते हैं, बहुत देशों का मतलब ये इतिहास रहा है। तो जो रिजीम है एक तो तानाशाहीपूर्ण है ही ना, सब सरकार जितने सोचने समझने बोलने वाले लोग हैं सबको टर्म दे देती है अर्बन नक्सल है। तो ये तो मजाक है ना भाई, जो आपसे सहमति नहीं रखता है, जो आपके कार्यशैली से विचारों से सहमति नहीं रखता है, तो उसको सहमति रखने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ही देता है। और आप सबको राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही, अर्बन नक्सल, ये आप जो तगमा लगाते हैं तो ये तगमा क्या है, आपकी राजनीति दर्शाता है। मैं कोई बात रख रहा हूँ तो बात रखूँ, ये अधिकार मुझे संविधान देता है कि नहीं देता है? जो जाहिर है अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करता है तो उसको सजा देने का अधिकार भी संविधान में प्रावधान है। जी, लेकिन सर जो बहुत सारे नेता हैं बीजेपी के, चाहे अनुराग ठाकुर हो, प्रवेश वर्मा हो, यति नरसिम्हानंद हो, उन पर तो ऐसी कार्रवाई कुछ भी नहीं होती, वो तो काफ़ी हेट स्पीच देते हैं। भाई ये कहावत है भोजपुरी में, संयम है कुतवाल तब डर का है का, इसका मतलब रूल ऑफ लॉ नहीं है। और मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि कानून में समानता होना और प्रशासन में समानता होना दोनों में अंतर है। कानून में समानता है और प्रशासन में समानता नहीं है, इसका मतलब कि वहाँ संवैधानिक नैतिकता नहीं है और लोकशाही के लिए खतरा है। तो जिनकी सरकार है, जो सरकार के समर्थक हैं, उनको लगता है कि अब तो हमारी सरकार है, जो मर्जी है बोलो, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है ना कि एक तरह की वैचारिक तानाशाही इस सरकार RSS BJP की ओर से आ रही है। इसमें क्या दिखना है, लोगों को दिख भी रहा है। तो मुझे लगता है कि
अब समय आ गया है जिनको इनको जितना करना था दमन शोषण, लोग इसके खिलाफ आवाज उठा भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं उठा रहे हैं। भाई नहीं डरने का कारण भी संविधानी है कि संविधानी वो स्पेस हमें देता है, वो अधिकार देता है कि बगैर डरे सहमे बगैर झुके हुए अपनी बात हम रख सकें और रखते भी हैं। वो गिरफ्तारी के बाद भी ऐसा थोड़ी कि मैंने कोई बोलना बंद कर दिया और घर में बैठा हूँ दुबक के। ये संविधान, अगर गैर संवैधानिक गैर बात हम बोलेंगे तो सरकार को पूरी अधिकार है कि मुझे फिर से गिरफ्तार करे, लेकिन हम कोई बात तो नहीं कह रहे हैं। अगर उनके उनसे असहमति रखने का अधिकार तो हमें है। विकास दिव्य कृति ने जो बात बोली, क्या सारे किताबें सारे लाइब्रेरी को आप जला देंगे? वो किताब पढ़ के ही पेज नंबर के साथ ही बता रहे थे ना। तो जो किताब आपके पुरखों ने लिखा है जिस पे आप दावा करते हैं हिंदू संस्कृति ग्रेट संस्कृति का, वही किताब अगर ठीक से पढ़ दिया जाए तो आपकी मुश्किल हो जाएगी। उदाहरण एक और है, भाई राजेंद्र पाल गौतम 22 प्रतिज्ञा लिए थे और 22 प्रतिज्ञा वो किताब में छपी हुई है डॉक्टर अम्बेडकर राइटिंग स्पीचेज में, तो क्या नरेंद्र मोदी सरकार ने वो किताब नहीं छापा? क्या उनके जो उस समय सोशल जस्टिस मिनिस्टर थे थावरचंद गहलोत ने उस पर अपने शुभकामना संदेश नहीं दिए? तो आप जो किताब छाप रहे हैं, जो आपके पुरखों ने छापा है, उसी किताब से आपको दिक्कत होगी अगर ढंग से पढ़ के उनको सुना दिया जाए। जी सर, एक ये भी सवाल है कि जिस तरीके से अभी उमर खालिद को छोड़ा है और खालिद सैफी को छोड़ा है, तो ये जितने भी और भी हैं ये क्लीन चिट मिल रही है धीरे धीरे, जिन पे UAPA लगाया था लेकिन ये साबित नहीं कर पाए हैं, लेकिन इसकी भरपाई कौन करेगा? वो जुडिशरी सिस्टम, वो SHO, वो पुलिस वाला, वो IO, इसकी भरपाई कौन करेगा? सवाल तो यही है ना कि 10 साल जिसके बर्बाद हो गए, जिसके 20 साल बर्बाद हो गए। महामहिम राष्ट्रपति ने सवाल अपने भाषण में उठाया था ना कि 25-25, 30-30 साल से लोग जेल में पड़े हुए हैं और उनके परिवार वाले छुड़ाने भी नहीं जाते हैं, ताकि अगर छुड़ाने जाएंगे तो उसका जमीन भांडा सब बिक जाएगा। तो ये तो लोकशाही और सरकार की कार्यशैली पे ही सवाल है, यही आपका जवाब है कि आखिर वो समय वो वक्त जिसमें वो कोई कंस्ट्रक्टिव काम कर सकता था, लिख पढ़ सकता था, बोल सकता था, किताब आर्टिकल लिख सकता था, वो समय आपने डिस्ट्रॉय किए, इसकी भरपाई कौन करेगा? ये तो अदालत में भी इसमें बहस होनी चाहिए और संसद में भी बहस होनी चाहिए कि जो आदमी 15 साल बाद निर्दोष साबित होता है तो सरकार को चाहिए कि उसका कंपनसेशन उसको दे। जी थैंक यू सर। जो ये ग्रंथ जो पढ़े जा रहे हैं, चाहे बोल चुका हूँ, बोल चुका हूँ, वो सारे ग्रंथ तो उन लोगों ने लिखे। मैं बोल चुका, मैंने इसके पहले वही जिम्मेदार तो गीता प्रेस है। अरे वो मैं कह चुका हूँ ना, यही बात तो क्योंकि इनके पुरखे ने जो लिखा है वही तो किताब पढ़ा जा रहा है। सर 6-7 को कोई एक प्रोग्राम सुनने में, रामलीला ग्राउंड में प्रोग्राम है, देश भर के जाने माने बहुत सारे एक्टिविस्ट बुद्धिजीवी और बहुत सारे संगठन आ रहे हैं, और जो सरकार की जन विरोधी नीति, निजीकरण, जो सामाजिक न्याय विरोधी और किसान विरोधी मजदूर विरोधी जो नीतियां हैं उसके खिलाफ 2 दिन का बड़ा कार्यक्रम है जिसमें हम लोग सब आ रहे हैं, सरकार के देश के तमाम कोनों से लोग आ रहे हैं, उसमें हम भी शामिल होंगे, आप लोग भी सब आइए वहां पर। शुक्रिया, थैंक यू।